हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन वाइटनिंग आइस क्यूब। सो गाइस, ये आइस क्यूब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी स्किन को ग्लोइंग वाइट एंड ब्राइटन बनाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, झुर्रियों की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, तो ये आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको ग्लोइंग और यूथफुल स्किन देगी। सो गाइज, अगर आप फेस पैक अप्लाई कर करके बोर हो गए हैं, सो गाइज अगर आपको डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो इस आइस क्यूब को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। डेली आप सिर्फ और सिर्फ इसे एक बार लगाएंगे तो आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा ग्लो आएगा। सो गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, इस आइस क्यूब को बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी कुकुम्बर की, यानी खीरा की। सो गाइज, समर के मौसम में खीरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा टमाटर, यानी टमाटो। सो गाइस, टमाटो भी हमारी स्किन के दाग धब्बों को, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। और उसके बाद हमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है नींबू, यानी लेमन। सो गाइस, अब हमें इस आइस क्यूब को किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको टमाटो का जूस निकालना है। इस तरीके से मैं यहाँ पर कद्दूकस करके इसका ईजीली जूस निकाल लूँगी। अब मैं एक छलनी की हेल्प से इसका जूस जो है वो अच्छे से स्टेन कर लूँगी, यानी छान लूँगी। सो गाइस, आप इसे मिक्सी में पीस कर भी अच्छे से इसका जूस निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसे इजीली कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लूँगी। सो गाइस, मैंने यहाँ पर टमाटो का जूस अच्छे से निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पर खीरे को अच्छे से छील लिया है। अब मुझे इसका भी जूस निकालना है, तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे से कद्दूकस कर लूंगी। सो गाइस, मैंने यहाँ पर खीरे का रस भी अच्छे से निकालने के लिए इसे कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसे छलनी की हेल्प से इसका जूस अच्छे से छान लूंगी। सो गाइस, इस तरीके से आप खीरे का जूस अच्छे से निकाल सकते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर खीरे का जूस अच्छे से निकाल लिया है। अब मैं आधा नींबू निचोड़ दूंगी, ये देखिए इस तरीके से, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि तीनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद मैं यहाँ पर आइस क्यूब ट्रे ले लूंगी और उसमें मैं इस मिक्सचर को डाल दूंगी। तो गाइस, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपकी स्किन के लिए। आप नॉर्मल इसे फेस पैक में भी डालकर यूज़ करते होंगे, आज आप थोड़ा डिफरेंट ट्राई कीजिए। आइस क्यूब की हेल्प से भी आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और यूथफुल बना सकते हैं। उसके बाद आप कम से कम 6 से 7 घंटे इसे जमाने के लिए छोड़ दीजिए। सो गाइस, मेरी आइस क्यूब यहाँ पर जमकर रेडी हो चुकी है, मैंने इसे 6 से 7 घंटे अच्छे से जमा लिया है। सो गाइस, आइस क्यूब हमारी एकदम रेडी है। अब इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसे कम से कम सुबह और शाम एक एक आइस क्यूब भी यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन में ग्लो आएगा, स्किन वाइट एंड ब्राइटन होगी, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। तो गाइस देखिए, इस तरीके से आपको आइस क्यूब अपने फेस पर लगाकर अच्छे से मसाज करनी है। इस तरीके से आपको आइस क्यूब को अपने फेस पर रब करना है। तो गाइस देखिए, इस तरीके से आप कम से कम एक आइस क्यूब भी अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद आप इसे कम से कम सूखने के लिए छोड़ दीजिए 5 से 10 मिनट, और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए। सो गाइस, आप इसे डेली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। आपकी स्किन में निखार आएगा, आपकी स्किन के दाग धब्बे दूर होंगे। सो गाइस, आपको यह करना है कि आपको डेली कम से कम सुबह और शाम एक एक आइस क्यूब यूज़ करनी है, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, आप इस आइस क्यूब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक।